और जो इनका महिलाओं के प्रति नजरिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। आज ह्यूमन राइट्स राजस्थान में बड़ी बिजली दरों को लेकर महिलाओं का फूटा आक्रोश। रोड पर उतरी महिलाएं, बांसवाड़ा उदयपुर रोड मार्ग किया जाम, गहलोत सरकार मुर्दाबाद की जमकर की नारेबाजी, जताया विरोध। इसी के साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर शर्म का विषय, हिंदुस्तान में महिला अपराधों में राजस्थान नंबर वन पर, इच्छा शक्ति का अभाव, संवेदनहील है राजस्थान की सरकार, महिलाओं के प्रति इनका नजरिया शर्मनाक, ऐसी कही बात। बांसवाड़ा शहर में आज राजस्थान में बड़ी बिजली दर को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूटा। महिलाओं ने रोड पर खड़े होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही गहलोत सरकार मुर्दाबाद की नारेबाजी भी उनके द्वारा की गई। महिलाओं का जमकर आक्रोश फूटा और इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के लिए बड़ी ही शर्म की बात है, जो कि हिंदुस्तान में अपराधों में महिला अपराधों में राजस्थान नंबर वन पर है। राजस्थान सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, संवेदनहीन है महिलाओं के प्रति नजरिया। बड़ी ही शर्म की बात है कि यहां पर इस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध राजस्थान में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में बड़ी बिजली दरों को लेकर भी महिलाओं ने जमकर आक्रोश दिखाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने कतारबद्ध खड़े होकर रोड पर जाम किया और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आक्रोश जमकर फूटा और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया गया है। बढ़ती बिजली दरों को लेकर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया है। इसी के साथ ही महिला अपराधों में जो ये बढ़ोतरी राजस्थान में हो रही है उसको लेकर भी महिलाओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। महिला मोर्चा की टीम ने बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड विद्युत ऑफिस के सामने उदयपुर मार्ग पर जाम किया और जमकर विरोध प्रदर्शन महिलाओं द्वारा दिखाया गया। इस दौरान महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुद्रा द्वारा भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा गया कि यहाँ पर बड़ी ही शर्म की बात है। आइए सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, बहुत ही शर्म का विषय रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय आज तक बिल्कुल महिला सुरक्षा के नाम पे नकारा रहे हैं और हिंदुस्तान महिला अपराधों में हिंदुस्तान में राजस्थान का जो नंबर एक है, ये सारा इनकी इच्छा शक्ति का अभाव है, संवेदनहीनता का अभाव है और जो इनका महिलाओं के प्रति नजरिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। आज ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के बाद ये कहने जा रहे हैं कि हम सुरक्षा करेंगे, हम देखेंगे। क्यों लिपा पोती करते हैं? क्या इनको अपने अधिकार पता नहीं है? क्या पहला कर्तव्य हर सरकार का ये होता है कि अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करे? क्या इनको ये समझ में नहीं आता? महिला क्या यहाँ की आबादी नहीं है? महिला क्या महिला होने के नाते दोयम दर्जे पे? इनका नजरिया क्या है, इनका सोच क्या है, वो आज सबके सामने आ गया है। और ह्यूमन राइट्स की बात अगर ये सुरक्षा की बात करते हैं तो शर्म है, धिक्कार है मुख्यमंत्री मोदी। हम इतने समय से आपको आगाह कर रहे हैं और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि प्रतिदिन 17 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, तो आप कर क्या रहे थे अब तक? अब जागे, ये कौन सी नींद से आप जागे? ये कुंभकर्णी अवस्था का वक्तव्य है। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है इस सरकार के, इसके नुमाइंदों पे और इनके मुख्यमंत्री महोदय जो कि गृह मंत्री है, उन पे किसी पे भी विश्वास नहीं है कि वो किसी भी तरह हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे या इनकी रक्षा कर पाएंगे।